उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने शुक्रवार को हुई हिंसा में शामिल आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्यवाही को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। साथ ही पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग भी की। सोमवार को नाराजगी जाहिर करते हुए मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए। उन्होंने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निर्दोषों पर कार्यवाही करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि समस्या की मूल जड़ नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करके सरकार कानून के राज का उपहास कर रही है। मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी सरकार एक विशेष समुदाय को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस आक्रामक कार्यवाही कर विरोध को कुचलने व भय आतंक का जो माहौल बना रही है यह अनुचित व अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्यवाही को जरूर संज्ञान मिले। मायावती ने हिंसा की मूल जड़ नुपुर शर्मा को बताते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने कहा कि समस्या की मूल जड़ नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल है, जिनके कारण देश का मान सम्मान प्रभावित हुआ है। वह हिंसा भड़की, उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करके सरकार द्वारा कानून के राज का उपहास क्यों? दोनों आरोपियों को अभी तक जेल नहीं भेजना तो घोर पक्षपात व दुर्भाग्यपूर्ण। तत्काल गिरफ्तारी है जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।